सपोर्ट किसका है? इमरान खान का। इमरान खान का इसलिए है कि उन्होंने ये सिखाया कि रोड और सड़कें जरूरी नहीं है, तालीम जरूरी। उन्होंने हमारी तालीम का रास्ता आसान बना दिया, जो 75 ईयर्स में किसी ने हमारे लिए ये नहीं किया। उन्होंने ये बताया कि तालीम सीखो, तालीम करो कि कुछ एफर्ट करो तो आगे बढ़ पाओगे ना, लर्न बी फॉरवर्ड कि हर चीज़ आगे बढ़ के सीखो। मरियम नवाज नवाज शरीफ की वीकनेस है। मैं नवाज शरीफ को ये कहूँगी, डोंट शो योर वीकनेस प्लीज। आई नो यू आर इडियट बट यू डोंट शो योर इडियट। कि ये हम लोग ये देखते हैं कि महंगाई है, तो महंगाई की हर तरफ जो कहता है भाई जिसने हमारी चीज़ों को सस्ता कर दिया वो हमारे लिए परफेक्ट लीडर है। नहीं, जो हमारे लिए काम करता है, जो हमारी कौम है, हम आगे बढ़ सके, बच्चे आगे बढ़ सके, तलीम करें अपनी, कुछ हमारी तरक्की पा सके हमारा मुल्क। हमें इमरान खान ने ये सिखाया, नवाज शरीफ ने हमें सिर्फ ये सिखाया कि महंगाई कम करूँ तो मैं अच्छा लीडर हूँ। मैंने महंगाई कम की, मैं अच्छा लीडर हूँ। मैंने पेट्रोल कम किया, मैं अच्छा लीडर हूँ। मैंने घी कम किया, मैंने चीनी कम की, तो मैं अच्छा लीडर। नहीं, उसने हमें तालीम नहीं सिखाई, उसने ये नहीं बताया कि तालीम का असल मकसद क्या। दिल के फेफड़े जल गए सीने के दाग से, दिल के फेफड़े जल गए सीने के दाग से, उस घर को आग लग गई घर के चिराग से। क्या बात है। इमरान खान के लिए क्या शेर है? इमरान खान के लिए शेर है कि इलामा इकबाल का शेर है, हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, ख्वाहिशें बादशाहों को गुलाम बना देती हैं, ख्वाहिशें बादशाहों को गुलाम बना देती हैं, मगर सबर गुलामों को बादशाह बना देता है। खान ने ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब जो हमें बता दी है, मैं जो है ना वो समझता हूँ, हालांकि मैं खुद एलएलएम मैंने किया हुआ है, लेकिन खान ने जो हमें शऊर दिया, खान ने जो हमारा खौफ खत्म कर दिया। जब आपके पास आपको खौफ ही नहीं होगा तो आपको किस बात का डर है? सलाम वालेकुम मेरे भाई, क्या हाल चाल है सर? वोट किसका? वोट इमरान खान। इमरान खान का? हाँ जी। क्या बात है भाई, इमरान खान का क्यों? इमरान खान का यदि वोट और किसको देना? क्या वजह है इसमें? वजह इमरान खान सच्चा आदमी है। इमरान खान सच्चा, इसलिए आप? हाँ जी, सच्चा आदमी है। साढ़े तीन साल उनकी हुकूमत रही, क्या काम किया उन्होंने? काम आपके सामने ही है, आपके सामने जो काम हुआ है सारे इमरान खान ने किए हैं। सारे इमरान खान ने किए। बाहर से आने वाले ने क्या काम किया? बाहर से आने वाले क्या? हाँ जी, नवाज शरीफ साहब ने तीन सवाल पूछे अवाम से, आप अवाम है, मैं आपसे वही सवाल करता हूँ। नवाज साहब ने पूछा है की अवाम की रोटी किसने छीनी, नवाज साहब ने पूछा है अवाम पे बोझ किसने डाला, अवाम से पूछा है की जनाब आपको कर्जों में किसने पहुँचाया, ये तीन सवाल। इन तीनों सवालों का जवाब तो एक ही है ना, पिछले 35 साल से गवर्नमेंट उनकी है, तो उनसे ये पूछा जाए कि ये सवाल उनका पूछना बनता है? मुझे पहले ये बताए ना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये उनका पूछना बनता हमसे? ठीक हो गया। आप किनको इनका जिम्मेदार समझते हैं? जिम्मेदार तो वही है ना जो भाग के बाहर गए हैं और उसको बंद करके अब वापस आ गए हैं। उनको बंद करके वापस। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम सलाम। बेटा वोट किसका है? इमरान खान का। इमरान खान का? जी। इमरान खान का क्यों? इमरान खान का इसलिए है कि उन्होंने ये सिखाया कि रोड और सड़कें ज़रूरी नहीं है, तालीम ज़रूरी। और उन्होंने हमें ये भी उन्होंने हमें एक बुक्स लगाई है तर्जमाल कुरान, जो 75 ईयर्स में हमने आज तक नहीं देखा, जो किसी भी हमारे जो लीडर हैं किसी ने भी नहीं लगाई, जो सेकेंड ईयर तक ये जा रही है। हम जब भी बच्चे वन से लेकर सेकेंड ईयर तक इसको पढ़ते हैं तो उनका सवाब उनको ही जाता है, इसलिए मुझे वो लीडर बहुत पसंद है। क्या है ऐसा बेटे? उस वक्त में ये है कि जो हमने देखा नहीं है, जो हमने देखा नहीं है वो बताते हैं और हम उससे सीखते हैं, जो हमें बातें नहीं मालूम हम वो भी उससे सीखते हैं। किस बात की बातें आप बेटा बता? ये जिस तरह के हम औरतों के बारे में एक सूरत है, वो सूरत हम उसमें पढ़ते हैं तो हमें वो पता चली है कि वो सूरत क्या और उसमें हमारे हकूक क्या है। लाजमी की है। जी जी। और क्या वजह बेटा? इमरान खान ने 3.5 साल हुकूमत की, क्या काम किया उन्होंने? उन्होंने ये काम किया कि उन्होंने हमारे तलीमी अदारे खोले, बाज़ुकात हमारे तलीमी अदारे खोले। उन्होंने हमारी तलीम का रास्ता आसान बना दिया, जो 75 ईयर्स में किसी ने हमारे लिए ये नहीं किया। उन्होंने ये बताया कि तलीम सीखो, तलीम करो कि कुछ एफर्ट करो तो आगे बढ़ पाओगे ना, लर्न बी फॉरवर्ड कि हर चीज़ आगे बढ़ के सीखो। ठीक हो गया। बेटे आपको क्या लगता है इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बन पाएंगे? जी ज़रूर, इंशाल्लाह वो वज़ीर आज़म बनेंगे। और आपको नहीं लगता मरियम नवाज अच्छी हैं और नवाज शरीफ अच्छे हैं? मरियम नवाज नवाज शरीफ की वीकनेस है। मैं नवाज शरीफ को ये कहूँगी, डोंट शो योर वीकनेस प्लीज। आई नो यू आर इडियट बट यू डोंट शो योर इडियट। क्या बात है बेटे। मुझे ना, मैं आपसे 2-3 सवाल करूंगा, ये लास्ट सवाल है। मुझे बताइएगा, नवाज शरीफ साहब ने 3 सवाल किए हैं अवाम से, आप कौम की मुस्तकबिल है, मुझे बताइएगा। नवाज साहब कहते हैं कि आप बताएं कि मुल्क को मकरूज किसने किया, वो कहते हैं कि आप बताएं कि मुल्क में कर्जा किसने चढ़ाया, वो कहते हैं आवाम को बेहाल किसने किया। ये 3 सवाल हैं उनके अवाम से, आपका क्या जवाब है?
मुल्क को कर्जा तो नवाज शरीफ ने चढ़ाया और मुल्क को उन्होंने आवाम को बहाल उन्होंने किया, क्योंकि ये हम लोग ये देखते हैं कि महंगाई है तो महंगाई की हर तरफ यूँ कहता है भाई जिसने हमारी चीज़ों को सस्ता कर दिया वो हमारे लिए परफेक्ट लीडर है। नहीं, जो हमारे लिए काम करता है, जो हमारी कौम है, हम आगे बढ़ सकें, बच्चे आगे बढ़ सकें, तलीम करें अपनी, कुछ हमारी तरक्की पा सके हमारा मुल्क। हमें इमरान खान ने ये सिखाया, नवाज शरीफ ने हमें सिर्फ ये सिखाया कि महंगाई कम करूँ तो मैं अच्छा लीडर, मैंने महंगाई कम की मैं अच्छा लीडर हूँ, मैंने पेट्रोल कम किया मैं अच्छा लीडर हूँ, मैंने घी कम किया मैंने चीनी कम की तो मैं अच्छा लीडर। नहीं, उसने हमें तालीम नहीं सिखाई, उसने ये नहीं बताया कि तालीम का असल मकसद क्या है। उसके लिए मेरा एक शेर है, दिल के फेफड़े जल गए सीने के दाग से, दिल के फेफड़े जल गए सीने के दाग से, उस घर को आग लग गई घर के चिराग से। क्या बात है। और इमरान खान के लिए क्या शेर है? इमरान खान के लिए शेर है कि इलामा इकबाल का शेर है, हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, ख्वाहिशें बादशाहों को गुलाम बना देती हैं, ख्वाहिशें बादशाहों को गुलाम बना देती हैं, मगर सब्र गुलामों को बादशाह बना देता है। बेटा बहुत शुक्रिया। और बात करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? इस तरफ आए जरा, कैसे आप? ठीक हैं सर जी? वोट किसका? वोट तो हम लोग कोशिश करेंगे, कोशिश अभी पता नहीं है आपको। हाँ जी, चले ठीक है, आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, वोट किसका मेरे भाई? पता नहीं यार, पता नहीं क्या, क्यों नहीं पता, पता नहीं क्यों, पता नहीं है। आगे चलेंगे नाज़रीन किराम और बात करते रहेंगे, सामने भी चलते हैं, कुछ हमारे पख्तून भाई भी हैं उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, वोट किसका है? वोट भाई जान, आप उनसे बात करें। क्या आप बात नहीं करना चाह रहे? नहीं, नहीं, ये वोट तो हक है ना सर, देखें ये हमारी गवाही है, मैशर के दिन हमसे सवाल होगा, ये अल्लाह ताला पकड़ के देंगे ना हमारी। इन लोगों के बारे में कोई पकड़ नहीं है, ठीक है, मैशर का इन लोगों को हमने ना हमारी खान साहब गवाही, किसको दे वोट? राजू लख साहब हैं, साद रिजवी साहब हैं, इमरान खान साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, कोई भी इंसान आएगा फिर हम वोट डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, वोट किसका? वालेकुम अस्सलाम, जिधर दिल किया, जिधर दिल किया, ये पैसे दिए उसको नहीं देंगे, पैसे लेकर वोट नहीं देना चाहिए। ये अच्छी बात है, ये हाथ में लाएं, ये बेहतरीन चीज है, और क्योंकि वोट आपकी गवाही है। मेरे भाई वोट देंगे किसको? जिधर जमीर मुतमैन हुआ उधर दे देंगे। नवाज शरीफ, जरदारी किनको? अभी तक फैसला नहीं किया। मैं आपसे मुखातिब हूँ, वोट किसका सर? पीटीआई को। पीटीआई का जी? क्यों भाई, पीटीआई का क्यों? वो अच्छे हैं, वो अच्छा लगता है आपको? पता है आप दरोगे वाला में मौजूद है। हाँ जी, फिर भी इमरान खान जो लंदन भाग जाता है, जो या फिर मुसीबत के वक्त खड़ा रहता है वो वाला शेर, दोनों में से कौन सा शेर? बस जो भी है बस शेर ही पसंद है। मतलब कौन सा शेर, जो लंदन भाग जाता है वो वाला शेर, या वो शेर जो मुसीबत के वक्त अपनी आवाम के साथ खड़ा होता है? जो मुसीबत के वक्त अपनी आवाम के साथ खड़ा होता है। इमरान खान है भाई। इमरान खान अभी कहाँ? इमरान खान पाबंदे सलासल है, आवाम के साथ है? नहीं अभी नहीं है। नहीं है? नहीं है। कहाँ पे इमरान खान? पता नहीं, लंदन में, पता नहीं कहाँ पे है। आपको नहीं पता? नहीं। तो आप किस शेर की बात कर रहे हैं? ये जो इधर है। इधर कौन सा है? मेरा अपना रेल। कौन सा? हम तो इधर की बात कर रहे हैं ना। इधर कौन सा शेर है, नाम बताएं ना। नवाशी साहब है, ददारी साहब है, कौन है? ये इधर का जो अपना मैं है। खान साहब एक जुमला सिर्फ, वोट किसका? इमरान खान का। इमरान खान का, कोई दूसरा नहीं? नहीं कोई नहीं, कोई दूसरा नहीं, सिर्फ इमरान खान।